हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 7 वर्थ, जिसके लेखक हैं एजे क्रोनिन। यह जो चैप्टर है वह बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है और 11th क्लास में आई थिंक स्नैपशॉट की बुक में बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चैप्टर में होती है। तो इस चैप्टर के पहले हम कैरेक्टर को जान लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देखिए, मेन कैरेक्टर हैं जो वह है एंड्रयू मैनसन, ठीक है, जो कि एक डॉक्टर है यहाँ पर। और उसका जो फ्रेंड है वह है जॉय मॉर्गन, वहाँ पर इसका दूसरा कैरेक्टर है। और इसकी सास है यहाँ पर और उसकी वाइफ है जॉय मॉर्गन की, ठीक है। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हैं वह सिर्फ इतने ही हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम इस पूरे पाठ की समरी को समझेंगे बड़ी डिटेल से। देखिए, कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एंड्रयू मैनसन, जो कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई को अभी भी पूरा कर चुका है, उसने डॉक्टर एडवर्ड के यहाँ पर बिलिनली नामक छोटे से कस्बे में असिस्टेंट के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। उसे क्रिस्टीन नामक एक लड़की से प्यार था, पर उसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण था। आधी रात का समय हो गया था जब वह ब्रिनकोवर शहर पहुँचा। उसे जॉय मॉर्गन वहाँ प्रतीक्षा करता मिला। जॉय की शादी को 20 वर्ष हो चुके थे और अब उसकी पत्नी का पहला बच्चा होना था। जॉय लगभग कोई एक घंटे से एंड्रयू मैनसन की वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी को लेबर पेन समय से पहले होने लगा था। एंड्रयू घर के अंदर गया, उसने अपना बैग लिया, जो डॉक्टर के पास बैग होता है ना, उस बैग लिया उसने, और वे साथ ही साथ नंबर 12 ब्लेन टेरेस को चल दिए। डॉक्टर ने कल्पना भी नहीं की थी, कौन सी डॉक्टर, एंड्रयू मैनसन जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह रात उस नगर में उसके संपूर्ण भविष्य को इतना प्रभावित करेगी। जॉय घर के बाहर ही ठहर गया, उसने दरवाजे में प्रवेश नहीं किया। अंदर एक सकरी सीढ़ी थी जो कि ऊपर के कमरे की ओर ले जाती थी, छोटे से कमरे की ओर ले जाती थी, और वहाँ पर एक तेल का दीपक जल रहा था। बिस्तर पर पड़ी महिला के पास दो अन्य औरतें भी खड़ी थीं। एक लंबी 70 वर्षीय महिला थी जो कि जॉय की सास थी। दूसरी मजबूत और अधेड़ आयु की महिला थी, वह नर्स थी। जॉय की माँ ने डॉक्टर के लिए कप चाय बनाने का प्रस्ताव रखा। वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी और उसे बहुत ही ज़्यादा अनुभव था। उसने देखा कि बच्चे को होने में शायद कुछ समय लगेगा। उसे डर था कि डॉक्टर उसे छोड़कर ना चला जाए और वादा कर जाएगा कि वह फिर आएगा। एंड्रयू मैनसन जो कि डॉक्टर थे, उसने उसे आश्वस्त किया कि वह भागेगा नहीं। उसने नीचे रसोई घर में जाकर चाय पी। वह तनावग्रस्त था, कौन, एंड्रयू मैनसन जो डॉक्टर थे। उसे पता था कि इस क्षेत्र में पूरा मनोयोग से काम करना होगा। किस क्षेत्र में, बच्ची को जन्म देने में या फिर डिलीवरी कराने में। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपना काम पूरा होने पर ही जाएगा वहाँ से। एंड्रयू मैनसन एक घंटे बाद ऊपर गया और उसने प्रगति को देखा कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, तथा वह पुनः नीचे लौट आया किचन में। केवल दीवार पर टंगी हुई घड़ी टिक टिक की आवाज़ कर रही थी और जॉय मॉर्गन बाहर सड़क पर टहल रहा था, उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर को उन केसों का ध्यान आया जिनमें विवाह नितांत यानी कि बिना अंत के असफल रहा था, यानी कि बीच में ही टूट गया था। उसने अपनी टांगें फैला ली। अब जो सास थी या वृद्ध महिला थी, उसने पूछा कि क्या होने वाली माँ को लेबर के दौरान या डिलीवरी के दौरान बेहोशी की दवा सुखाने से नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया या विश्वास दिलाया कि बेहोशी की दवा हानि नहीं पहुंचाती है। 3:30 बजे थे जब डॉक्टर को नर्स ने आवाज़ दी। वह ऊपर बेडरूम में पहुंचा, उसने देखा कि अब काम करने का समय आ गया है। 1 घंटा बीत गया। काफ़ी लंबे कठोर संघर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया, पर वह तो निर्जीव था। एंड्रयू मैनसन उस निर्जीव बच्चे को देखकर भयभीत हो गया तथा उसका चेहरा अचानक से ठंडा पड़ गया। उसके सामने दो विकल्प थे, बच्चे को बचाए या उसकी माँ को। माँ की दशा भी नाजुक थी। डॉक्टर ने बच्चे को तो नर्स को पकड़ा दिया और उसका ध्यान उसने जॉय मॉर्गन की पत्नी सुषन मॉर्गन पर दिया। वह लुढ़की हुई पड़ी थी, उसकी नब्ज जैसे खोती जा रही थी, यानी कि धड़कनें धीमी हो रही थी। उस पर अभी भी बेहोशी की दवा का असर था। उसने एक इंजेक्शन दिया तथा तेज गति से काम किया। माँ का हृदय गतिशील हो गया, यानी कि धड़कनें तेज हो गई। अब डॉक्टर ने सोचा कि माँ को छोड़कर अब वह बच्चे को संभाल सकता है। उसने कहा, बच्चा कहाँ है, उसने नर्स से पूछा।
उस नर्स ने बच्चे को पलंग के नीचे रख दिया था। तेजी से डॉक्टर ने झुककर बच्चे को बाहर निकाला, बालक था यानी कि लड़का हुआ था, पूरी तरह से बना हुआ, पर उसका ढीला गर्म शरीर अब निवर्ण हो चुका था। उसकी नाल भी ठीक से कटी नहीं थी। उस बच्चे का शरीर ऐसे लग रहा था जैसे बिना हड्डियों का हो। एंड्रयू मैनसन जो कि डॉक्टर था उसे एक केस की याद आ गई जिसे उसने देखा था तथा जिसमें बच्चे को बचा लिया गया था। उसने तुरंत गर्म पानी तथा ठंडे पानी का तसला लाने को बोला। उसने बच्चे को कंबल पर रखा तथा उसे मुंह में ऑक्सीजन देने लगा। किसी जादूगर की भांति वह बच्चे को एक बार बर्फीले पानी में रखता तथा गर्म पानी में डुबोने लगा। 15 मिनट गुजर गए, उसे पसीने हो गए तथा हाँफने लगा। एंड्रयू को अब पराजय तथा निराशा की भावना घेरने लगी। दाई जो बच्चे को जन्म दिलाती थी पिछले ज़माने में, उसे निराशा और हैरानी से देख रही थी। वृद्ध महिला दीवार से पीठ टिकाए खड़ी थी। उसे याद आया कि महिला अपने नाती को देखने के लिए कितनी आतुर थी। फर्श पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। डॉक्टर के अपने हाथ गीले तथा चिकने हो गए थे। उसने बच्चे को लगभग ज़मीन पर किसी सफ़ेद मछली की भांति गिरा दिया। दाई बोली कि बच्चे में जान नहीं है, पर डॉक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने बच्चे में प्राण फूंकने के लिए एक और प्रयास किया। उसने बच्चे को खुरदरे तौलिए से रगड़ा। उसकी छाती को वह अपने हाथों से दबाता और फिर छोड़ देता, और तभी चमत्कार हो गया। उसे बच्चे की छाती में कुछ हरकत महसूस हुई। यह तो जीवन का लक्षण था, यानी कि मतलब किसी में जान है यह तो इस बात का लक्षण था। डॉक्टर को लगभग बेहोशी सी आने लगी। उसने अपने प्रयास और तेज कर लिए। बच्चे की सांस तेज होने लगी थी। थूक का एक छोटा सा बुलबुला उसके एक नथुने से बाहर आ गया बच्चे के। अब उसके अवयवों यानी शरीर में गति आने लगी थी। उसकी सफ़ेद त्वचा धीरे धीरे गुलाबी होने लगी थी और अंत में बच्चा जोर से रोने लगा। एंड्रयू मैनसन जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने बच्चे को दाई को सौंपा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था। वृद्ध महिला परमात्मा को मूक प्रार्थना कर रही थी, यानी कि शांत रहकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। माँ अब बेहोशी के असर से मुक्त हो चली थी। एंड्रयू ने अपनी जैकेट पहनी तथा सीढ़ी से नीचे उतर आया। बाहर तो जॉय फुटपाथ पर तनावग्रस्त चेहरा लिए खड़ा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि दोनों ठीक ठाक हैं। रहा था कि 5 बजे यानी कि सुबह के 5 बजे। रात को जो लोग खदानों में काम करते हैं वह मजदूर अब बाहर आ गए थे। एंड्रयू सोचता रहा कि अंततः उसने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, कुछ वास्तविक चीज़ हासिल कर ली है। और इस तरह से इस चैप्टर का एंड होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो में चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।